वेलकम गाइस टू माई चैनल बेस्ट राइडर। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। और ये भाई लगेज बन चुका है मेरी बाइक में, और एक इस ट्रिप में ये वर्ल्ड का मोस्ट डेंजरस रोड पे ट्रिप पे जाने वाले हैं। और इस ट्रिप पे ना भाई साहब ड्यूक 390 जा रही है, डोमिनार 400 जा रही है। वो हमारा नितिन बाबू है, यह हमारी डोमिनार। टाइम हो रहा है अभी 2:40 एंड ये रात के 2:40 हो रहे हैं, मतलब सुबह भी कह सकते हैं नेक्स्ट डे का। एंड आज फ्राइडे एंड 12 अगस्त का टाइम है, एंड मोस्ट डेंजरस रोड पे जाने का है। और अपनी डोमिनार ये खड़ी, और ये फ्यूलिंग हो चुकी है पूरी तरह से। अब ऐसे चलने के लिए तैयार होते हैं। दो बंदे मज़े हमें और मिलेंगे जीटी करनाल रोड पे, जो हमें ऑलमोस्ट निकल चुके हैं वहाँ से। सो आधे या 45 मिनट में हमें जीटी करनाल रोड पे मिल जाएंगे। दो बाइकें और आने वाली है, और ये ट्रिप बहुत ही फन वाला होने वाला, बहुत ही ज़्यादा एडवेंचर के साथ होने वाला, क्योंकि ये मेरे डोमिनार के साथ अपने दोस्तों के साथ पहला ट्रिप है इस डोमिनार पे। वैसे बेसिकली मैं डोमिनार चला चुका हूँ, 2400 किलोमीटर चल चुकी है। एक मनाली को सोलो वाला ट्रिप भी करा था, बट ये वाला ट्रिप लिटरली याद रहने वाला सबको। चलो आगे मिलते हैं, बाइक में चलते हैं, राइडिंग वाइडिंग जैकेट बैठते हैं, क्योंकि अभी रात हो रही तो कुछ खास दिखा नहीं पाऊँगा। आगे चलते हैं, बाकी नज़ारों के मज़े आएंगे बाद में। लेट्स गो गाइस। वाला की चौकी आ गई है, चौकी चौकी बकर वाला की। लेट्स सी, पुलिस वाले रोकते नहीं रोकते, जाने देंगे, रोकेंगे नहीं भाई। यो यो भाई, रोड बिल्कुल खाली पड़ा है, पर ये रोड बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखा है। तीन विधायक है इस रोड पे, फिर भी सो फाइनली भाई 3:10 पे पहुंच गए हम। मतलब ये लगा लो अप्रोक्स 35 मिनट के अंदर अंदर हम जीटी करनाल रोड पहुंच गए यार। ये देख रहे हो करनाल सीधा लेफ्ट में ही है, एंड जहाँ पर मीट पॉइंट था वहाँ पर मिलने वाले हैं। मतलब ये लगा लो 35 मिनट में पहुँच गए, ज़्यादा टाइम लगा नहीं हमें। सो बढ़िया था ये 35 मिनट हार्डली। तो रोड पूरा खाली था तो मज़ा आ गया, एंड दोस्तों से मिलाता हूँ। वैसे तो आपको वैसे ही दिखा दूँगा कौन कौन सी बाइकें आई अपने साथ, बट वैसे कहीं रुकेंगे खाने पीने में तो आपको मिलाऊँगा, क्योंकि यादें ही तो रह जाती है। तो भाई 3:45 आ गए, सन्नी भी आ गया और आशीष भी आ गया, एक बंदा और जा रहा भाई, एंड वो बुलेट और ये जिक्सा 250। यहाँ से चलते हैं हम, देखो। एंड आज का जो प्लान है वो अमृतसर जाने का है। आई होप सो, देखो कितना टाइम लगता है। तो भाई सन्नी भी आ गया, आशीष आ गया भाई जो बुलेट में आगे जा रहा है, एंड चार बाइकें जा रही है इस बार। और ट्रिप लिटरली काफ़ी फन वाला होने वाला है। चलिए भाई, चलो चलो चलो, लेट्स गो। चलते हैं, तो भाई यहाँ पर फिलअप करा रहे थे, 4:08 हो गए, एंड ये भाई रोहतांग से होते हुए चंद्रताल जाएंगे पूछ रहे थे। एंड अभी कुछ ज़्यादा नहीं चले, 50 किलोमीटर चले, फिलअप कराना था। मेरी डोमी बॉय में तो मैंने पहले ही डलवा लिया था, एंड लेट्स सी कितना टाइम लगता है। और हवा डलवा रहा है, फिर चलते हैं आगे। सनी आगे चला गया, मिलते हैं। मॉर्निंग दोस्तों, अभी अभी चाय पी थी हम चारों ने, क्योंकि यार नींद सी आ रही थी, और अब सुबह हो चुकी है, 5:25 हो चुके हैं। आई डोंट नो कि आवाज़ कैसी आ रही होगी, शायद विंड ब्लास्ट आ रहा हो या ना आ रहा हो, बट चाय पीने के बाद ताजगी से आ गई है, मतलब मज़े से आ गए। और अब जो ठंडी ठंडी हवा लग रही है, मौसम 5 बजे का, भाई साहब मज़े आ गए। बेसिकली अब 5 बजे तो उठता नहीं हूँ, क्योंकि रात की जॉब रहती है। तो भाई कल रात के 8 बजे से उठा हुआ हूँ मैं, मतलब सुबह के, और अभी तक चल ही रहे हैं। और हमारी डेस्टिनेशन है अम्बाला, तो अभी यार रुका नहीं हूँ, प्रॉपर चाय पी थी, थोड़ा सा बातें करी थी, क्योंकि यार नींद सी आ रही थी, तो थोड़ा मजाक वजाक किया तो मज़े आ गए। एंड अभी हम यहाँ से हैं पानीपत,
पानीपत यहाँ से 10 से 12 किलोमीटर है, ज़्यादा दूर नहीं है। एंड होप सो देखो अंबाला यहाँ से 360 किलोमीटर, कितना टाइम लगता है लेट्स सी। 5 घंटे 45 मिनट बता रहा था, आई होप सो बट आई डोंट नो। और वहाँ का प्लान वहीं पर जाके सोचेंगे कि क्या करना क्या नहीं करना, आज अंबाला ही चलेंगे। बाकी मेरा डॉमी बॉय देख रहे, क्या सुबह है, क्या मॉर्निंग हो रही है, ये गजब भाई गजब। ओहो बच गया भाई बच गया, लग जाती तो दिक्कत हो जाती। ये देख रहे कितना बढ़िया मौसम हो रहा है, आई डोंट नो गोप्रो में आ रहा है नहीं आ रहा, बट बहुत अच्छा हो रहा है। जैसे सर्दियों का ना नहीं होता, ठंडी ठंडी हवा चलती है और थोड़ी सी धुंध सी लगी है, वैसा मौसम सा लग रहा है यहाँ पर, बढ़िया है। सो यार देखो यार, कभी कभी ना बोरिंग लगने लगता है, मतलब नींद सी आने लगती है, समथिंग कुछ होने लगता है, मतलब यार नींद सी आ रही है, मतलब ये रोड सीधा चल रहा है, आप 70, 80, 90, 100 भगाए जा रहे हो, तो यही होने लग गया था भाई। तो एक बार चाय मारी ना, कड़क बोल दी थी भाई को, और भाई चाय मस्त थी, और उसके बाद ना मज़ा आ गया। देखो यार 8 बजे का उठा हुआ हूँ, और मतलब पूरे दिन भर से यार चल ही रहा हूँ, कभी मतलब काम था तो मतलब मैं बाहर ही था 8 बजे से। तो ये था, ये हमारा बाबू जा रहा है, नितिन बाबू। सो चाय अभी जो पीना, तो रिफ्रेशमेंट आ गई, मज़े आ गए। मतलब ऐसा ही है कि थोड़े थोड़े ब्रेक लेते रहो ना चाय पी के, मतलब मज़े, यही सी चीज़ के तो मज़े, यही चीज़ें तो याद रहती है यार। और अभी जो सुबह हो रही है, शानदार मज़े आ गए, और ये देख के भाई यहाँ पर ना दिल याद आ रहे मुझे, मेरी CBG एक्सटेंशन जिसकी क्लच प्लेट चली गई थी, उसकी फिर चली गई है क्योंकि लोकल डाल दी थी उनने, पर चली गई थी। और यहाँ से मैं घुमा के बाइक लाया था, क्योंकि यहाँ से जाने की जगह नहीं थी, ये करनाल है बेसिकली। सारे दिन याद आ जाते हैं यार। और ये भाई एक राइडर आशीष नाम है इसका, बुलेट में अभी अभी ले लद्दाख भाई मार के आया, उसके बाद फिर से अब ये सच बात चल रहा है। और भाई इसकी एवरेज है जो 32 दिखा रहा था, अप्रोक्स 30 की एवरेज दे रही है, और ड्यूक भी इतने का ही दे रही है। सो मुझे नहीं लगता कि कुछ फ़र्क पड़ेगा, बट हाँ एंड ऑफ द ट्रिप मैं एक कंक्लूजन ज़रूर बता दूंगा कि पड़ेगा नहीं पड़ेगा, बाकी चलते हैं। सो यहाँ से लुधियाना 210 किलोमीटर है, जलंधर 2666 एंड अंबाला 97। तो एक बार अंबाला में रुकेंगे फिर से, क्योंकि भाई ने बुलेट का काम कराया तो हर 100 किलोमीटर के बाद उसे रुकना पड़ रहा, तो ये कर लेंगे। तो भाई टाइम हो रहा है 6:45 एंड यहाँ पर खाना खाने रुके, बाइक वहाँ खड़ी है और यहाँ पर बैठे हुए हम अपने परौंठों का इंतजार करते हुए, हम सारे परौंठे नहीं आए हमारे। तो अभी यही है, और अभी अंबाला तक का प्लान है। तो अंबाला यहाँ से अप्रॉक्स 300 किलोमीटर है, अंबाले में, सॉरी अमृतसर। सो भाई खाना वाना सबका हो गया है, सब गाड़ी पैक कर रहे हैं, यहाँ से चलने का वक्त हो गया है, एंड टाइम हो गया है, टाइम आपको एक बार बता देता हूँ कितना हो गया। और धूप आ गई है काफ़ी तेज़, और गर्मी भी हो रही है, 7:30 हो गए और काफ़ी तेज़ धूप आ गई है। यहाँ से निकल अमृतसर की तरफ, एंड लेट्स सी कितना टाइम लगता है। 5 घंटे बता रहा है, पर लेट्स सी कितना और लगता है। भाई की बुलेट गर्म हो जाती है बार बार, तो उसे ठंडा करना पड़ता है। तो यही है, अभी तो चले चलते हैं हम। यो यो, तो यहाँ से अब निकल रहे हैं अमृतसर के लिए। ये कहाँ से जा रहा है पता नहीं, कहाँ से जा रहा है, चलो चलते हैं। थोड़ी सी गर्मी बहुत हो गई, पर हवा लगते वक्त तो ठंडा है। तो भाई 7:50 हो गए हैं और हम अंबाला पहुंच चुके हैं, हमें लुधियाना जाना है, सीधा जाना है हमें, शिमला चंडीगढ़ नहीं जाना, क्योंकि हमें जाना है वर्ल्ड मोस्ट डेंजरस रोड पे। सो अब हम सीधा जाएंगे। आज का तो वैसे अमृतसर है, और अमृतसर गोल्डन टेंपल सबसे बढ़िया जो चीज़ होती है, एंड वहाँ पर जो मतलब खाने की क्वालिटी होती है ना, एक नंबर भाई।
उसके लिए तो ऐसा लगता है कि भाई टेस्ट करके देखना, क्योंकि मेरा भी पहली बार है अमृतसर। चलिए, एंड नितिन जा रहा है, आशीष जा रहा है अपनी बुलेट लेके, एंड सन्नी आ रहा है यहाँ से, ये रहा अपनी जिक्सर लेके। तो कुछ ऐसा ही है अभी तक तो। एंड फिर से मेरा डॉमी बॉय कुछ देर के बाद अपना खाना मांगना चालू कर देगा। डॉमी बॉय में आप तीन ही डंडे रह गए हैं, एंड डॉमी बॉय खाने में थोड़ा घपली कर देता है, कभी ज़्यादा कर देता है कभी कम कर देता है। तो वो भी मुझे लगता है इस सर्विस में मैं दिखाऊंगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। बस अभी तो चल रहा है जो भी। अरे हाँ, अभी थोड़ी सी गर्मी कम है अगर बाइक चल रही है तो। भाई हाई होप्स हो यार, गर्मी काफ़ी हो लगेगी, पर चलो देखते जो भी। अब ट्रिप करना है तो करना ही है अब तो। बट स्टिल यार वो मनाली वाले से तो कम ही गर्मी है, जब वह 45 डिग्री का टेम्परेचर था यार, स्टिल अभी तो 45 डिग्री नहीं होगा, वो तो हद ही हो गई थी। अगर वो ब्लॉग नहीं देखा तो मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में लिंक, देख लेना। तो चलो पहले आगे चलते हैं। अमृतसर अमृतसर हम आ रहे हैं। Eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe. 8.5 liter. तो भाई सेकंड फिलअप हो गया, एंड यहाँ से प्लान बना हमारा डलहौजी जाने का। सो बेसिकली यार ये डिसाइडेड नहीं था कि कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है। सो अब डलहौजी जा रहे हैं, क्योंकि यार पक गए यार इस रोड पे ना नींद आ रही है चलाते चलाते, क्योंकि सीधा चलाना कुछ है ही नहीं और गर्मी भी लग रही है। तो यूँ सोचा कि यार अमृतसर में ना गर्मी होगी, तो सोचते थोड़ा डलहौजी साइड चले जाएंगे तो ठंडा होगा तो गर्मी से राहत मिल जाएगी। सेकंड बार फ्यूल अप करवा लिया मैंने अपने डॉमी बॉय का, एंड उसके अकॉर्डिंग मेरे ख्याल से अब उसने पेट्रोल डाला 8.5 लीटर आया, 13 लीटर का टैंक है, तो मैं 8 लगा लेता हूँ फिर भी। मैं कहा 13.5 लीटर होगा ज़्यादा से ज़्यादा, 5 लीटर था इसमें पेट्रोल। ये डॉमी बॉय ना बहुत खेल खाल कर रहा है, करना पड़ेगा इस डॉमी बॉय का कुछ अब। चलो ठीक है, चल मिलते हैं आगे, फिर जो भी अपडेट होती है बताता हूँ यार। और सच बताओ ना दोस्तों के साथ मज़ा बहुत आ रहा है। I don't know, किस चीज़ का जाना है, थक गया। मैं यहाँ पर जाम वाम लग गया गंदा वाला पीछे से यहाँ होता, एंड आई डोंट नो क्या हो रहा है बट जाम लगा हुआ गंदा वाला, और मेरे ख्याल से वो जाने नहीं दे रहे हैं। ट्रैफिक रुका पड़ा इस साइड का पूरा इस साइड का चल रहा है, बहुत तगड़ा जाम लगा हुआ है यहाँ पे। भाई कल तो फिर भी सारे साइड साइड से निकल जा रहे हैं। हाथ दे दिया, रोड ब्लॉक कर दिया था, क्यों करा था मैं ये नहीं समझ में आ रहा। भाई मीडिया वीडिया भी आ रखी है, तो कुछ हुआ है भाई? सीरियस मीडिया भी आ रखी है यहाँ पे, तो कुछ तो हुआ भाई, कुछ तो हुआ है, एक्सीडेंट एक्सीडेंट मीडिया तक आ रखी है, रास्ता बंद कर रखा था। चलिए चलो, हम मतलब हमने ज़्यादा देर वेट नहीं करा, आधा घंटा ही वेट करा, खुल गया रास्ता। कुछ लोग तो कह रहे नहीं खुलेगा नहीं खुलेगा, बट खुल गया। अब सन्नी पीछे रह गया, क्योंकि हम तीनों तो साथ में निकल गए थे, सन्नी पीछे रह गया। ओहो क्या कर रहे हो भैया, ऐसे मत घुमाओ बाइक। यहाँ रुकते हैं, सन्नी का वेट करते हैं और देखते हैं यहाँ से अपने लिए रास्ता कहाँ से।
गर्मी लग रही है बहुत ज़्यादा। एंड अभी अभी नितिन का फ़ोन आया था, जो भाई बुलेट है ना वो हीट कर रही है क्योंकि उसका इंजन अभी अभी बंद हुआ है तो इसलिए, एंड वो रुक गए हैं और पेट्रोल वेट्रोल डला रहे हैं। तो सन्नी जैसे ही मिलेगा तो उसे रोकूँगा, पर यहाँ कितना जाम लगा हुआ है यार जलंधर जाने के लिए। यार गर्मी लग रही है बहुत ज़्यादा यहाँ पर ना, गर्मी हो रही है। साधु जी को देखो, गर्मी बहुत हो रही है, पता नहीं किस चीज़ का जाम है। हाईवे बंद कर दिया यार आज ने, बुरे ना फंस जाए यार यहाँ पे। टाइम 10:40 हो रहा है अभी, लेट्स सी कहाँ से निकलते हाईवे पे। ये ऊपर ट्रैक्टर वैक्टर लगा रखे हैं, कुछ होगा आज ये तो मुझे भी नहीं पता क्या है, बट होगा कुछ तो इसलिए लगाया होगा। चलो भाई जहाँ जहाँ लोग जा रहे हैं वहाँ वहाँ चलते रहो। तो जलंधर जाना भाई। ओ कोई आंदोलन आंदोलन है क्या है? आंदोलन है क्या कोई? अच्छा किसान आंदोलन है, किसान वाला है। दिल्ली से तो हट गया, यहाँ लग गया। चलो ठीक है, तो भाई किसान आंदोलन लगा हुआ है यहाँ पे, पता नहीं क्या है। हाईवे बंद कर रखे हैं, थोड़ा सी दिक्कत तो है यार, पर कोई नहीं सह लेंगे। यही वाला कटवा मैंने मिस कर दिया, अब जाम लगा हुआ इसका। सो बात ऐसी यार, सन्नी मतलब हम चारों अलग हो गए, एंड सन्नी का ये है कि सन्नी पता नहीं कहाँ है, फ़ोन नहीं उठा रहा अभी मेरा। एंड किसान आंदोलन चल रहा है इस चैनल यहाँ पर लुधियाना में, मतलब पंजाब में जाम लगा हुआ है, मतलब बंद करा हुआ है एक तरह से। एंड वो 33 किलोमीटर पीछे हैं तो आने में भी टाइम लगेगा। जब तक आराम करते हैं, नहीं तो सनी से बात करते हैं फिर।